सो ये है ओप्पो इनको एयर 2 प्रो, जो ओप्पो के प्रीवियस मिड रेंज प्राइस कैटेगरी के सबसे बेस्ट ईयरबड्स में से एक है, जो 3,500 रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं। इनको लॉन्च हुए लगभग एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में इनको ही डिटेल में रिव्यू करेंगे और इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। वैसे सेम प्राइस में अभी रियलमी एयर 5 और नथिंग बर्ड्स प्रो भी देखने को मिलते हैं, जो लेटेस्ट लॉन्च और फीचर रिच ईयरबड्स है। दोनों को ही मैंने रिव्यू किया है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो क्या ओप्पो इनको एयर 2 प्रो 3,500 में अभी भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, और क्या फिलहाल इनको इस प्राइस में लेना सही रहेगा या फिर नहीं, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो लुकिंग वाइज नो डाउट काफी प्रीमियम लगते हैं, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट इनका डिजाइन है, कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश इस पर आपको मिलेगा, जिस वजह से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आते हैं। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको केस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हिंजेस की क्वालिटी काफी बेस्ट है, प्रॉपर फिनिशिंग इस पर आपको मिलेगी। सो ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे ज्यादा इशू नहीं लगा। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो सेम ओप्पो इनको एयर 3 प्रो का डिजाइन इससे सिमिलर देखने को मिलेगा। ये फुल स्टेप इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है, सेम फिनिशिंग आपको इस पर मिलेगी जो केस पर मिलती है। इसकी फिटिंग और कंफर्ट मुझे सबसे ज्यादा सही लगी, लाइट वेट होने की वजह से कानों में कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं, 4-5 घंटे तक भी आराम से इन्हें यूज कर सकते हो। इसके अलावा IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, तो नॉर्मल पानी वगैरह में ज्यादा इशू नहीं आएगा। सो देखो ओवरऑल लुक्स और डिजाइन काफी सही है, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको टॉप नॉच मिलती है। तो ओवरऑल इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5/5। अब एक बार जल्दी से इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो यह 12mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, इन ईयर डिटेक्शन, ड्यूअल स्विचिंग, हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 25 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 94 ms की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 hours की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो प्राइस के हिसाब से फीचर्स डिसेंट है, लेकिन सेम प्राइस में फिलहाल आपको इससे ज्यादा फीचर्स वाले ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, साथ ही बैटरी बैकअप भी इसमें आपको एवरेज मिलेगी। 25 dB का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन लगभग 1 से 1.5 साल पहले मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अभी के लिए उतना इंप्रेसिव नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको ड्यूअल स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मैं इसे दूंगा 4/5 stars। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो हेमिलिटी एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी, उसके नीचे नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में यहाँ से स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, लेकिन कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा यहाँ से आप गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ ही फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो मुझे किसी भी काम का नहीं लगा। इसके अलावा लास्ट में फर्मवेयर अपडेट्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो ये था इसके एप्लीकेशन का ओवरऑल यूजर इंटरफेस। लगभग सभी नेसेसरी फीचर्स इसके एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। तो ओवरऑल इसके एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4/5 stars। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो ओप्पो इनको एयर 2 प्रो के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक टेस्ट है ओप्पो इनको एयर 2 प्रो के माइक्रोफोन का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो क्वाड माइक्रोफोन्स का सेटअप इसमें आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी कॉलिंग डिसेंट है, इंडोर्स में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर्स में ट्रैफिक वगैरह में अच्छे खासे बैकग्राउंड नॉइज़ को ये कैप्चर करते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियरली सुनाई देगी। सो नॉर्मल कॉलिंग के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको इसमें देखने को मिलता है, इंडोर्स में तो ठीक ठाक वर्क करता है, लेकिन आउटडोर्स में उतना यूजफुल नहीं है। पर्सनली मैंने इसे आउटडोर्स में टेस्ट करके देखा है, तो आउटडोर्स के लिए मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी को मैं दूंगा 4/5 stars और इसके ANC को मैं दूंगा 3.5/5 stars। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो 94 ms की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया है, जो अभी के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। फिर भी देखते हैं एक्चुअल में हमें इसमें कितनी लेटेंसी मिलती है। तो देखो जितना भी मैंने इसे यूज किया है और बाकी ईयरबड्स से इसको कंपेयर किया है, तो पर्सनली मैं बोल सकता हूँ इसकी लेटेंसी 94 ms से कम है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है कि इसमें हम प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग कर सके। नॉर्मल गेमिंग के लिए सही है, थोड़ी बहुत लेटेंसी आपको फील होगी, लेकिन आपका काम चल जाएगा।
फिर भी गेमिंग के लिए मैं आपको इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ओवरऑल इसकी लेटेंसी और गेमिंग के लिए मैं इसे दूंगा 3.5/5। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी की, तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इसके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंटल और वोकल्स और एक BGM को भी टेस्ट करेंगे, जिससे आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done. सो देखो, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, अभी भी इस प्राइस में इसकी ऑडियो क्वालिटी टॉप नॉच है। नथिंग बर्ड्स प्रो से बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा वोकल्स और क्लियरिटी के मामले में रियलमी बर्ड्स एयर 5 से भी काफ़ी बेटर है, लेकिन बेस आपको रियलमी बर्ड्स एयर 5 में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सबसे बैलेंस ऑडियो क्वालिटी आपको ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में मिलेगी। इसकी साउंड सिग्नेचर, ऑडियो ट्यूनिंग, वोकल्स की क्लियरिटी और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। साथ ही बेस भी इसमें आपको अच्छा मिलेगा, नेचुरल बेस इसमें आपको सुनने को मिलता है। तो इस प्राइस में ऑडियो क्वालिटी के लिए अभी भी एक बेस्ट ईयरबड्स है। सो ओवरऑल इसकी ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.6/5। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो ये फिलहाल 3500 में देखने को मिलते हैं, जो अभी के लिए थोड़े से ओवर प्राइस है। नो डाउट इस प्राइस में साउंड क्वालिटी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स में से एक है, लेकिन सेम प्राइस में रियलमी बड्स एयर 5 इनसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं, साथ ही उनकी ऑडियो क्वालिटी भी बेस्ट है। तो अगर ये आपको 3000 रुपये के आसपास मिलते हैं और आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ऑडियो क्वालिटी की है, तो नो डाउट 3000 रुपये में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। साथ ही अगर आप इसका किसी और ईयरबड से कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।